उधर झारखंड विधानसभा चुनाव में आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। दो दिन के झारखंड दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 10 बजे रांची में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी का ये संकल्प पत्र भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर आधारित है। इस संकल्प के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह की जनसभा घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में होगी। अमित शाह के बाद 4 नवंबर यानी कल पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा चाईबासा और गढ़वा में होगी। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर संकल्प पत्र जारी होगा। भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल जयंती इस बार मनाया जाएगा, तो 150 संकल्प का सहित भारत का माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे संकल्प पत्र का उद्घाटन करेगा। उधर झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन का हलफनामा बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हेमंत सोरेन के हलफनामे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें झूठा कहा। एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो दुनिया के सबसे बड़े झूठेले हैं। और तो और अपनी उम्र ही गलत बता रही, पता कि नहीं आप चुनाव आयोग में चुनाव जब लड़ते हैं तो एक एफिडेविट देना पड़ता है कि तुम्हारी उम्र कितनी। तो 2019 में इन्हें बताई कि उम्र 42 साल। अब 5 साल में चुनाव को तो 42 पर 5 कितने होना चाहिए थे, लेकिन भैया बता रहा 49 साल। गजब गए थे भाई तुम्हारा, 5 साल के 7 साल बता दिए। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हेमंत सोरेन पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने उन्हें कांग्रेस का चचेरा भाई बताते हुए उनके ऊपर आदिवासियों को खत्म करने का आरोप लगाया। हेमंत सोरेन कांग्रेस के चचेरे भाई हैं। इनमें भी वही है, पोज उज बना लिए हैं शिबू सोरेन जी के तरह कि जनता इनको भी भगवान की तरह पूजे। जिस आदिवासी के लिए ये दाढ़ी बढ़ाए हैं वो अभी तो उम्र में झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ है आदिवासी को खत्म करने पर तुले हैं। चंपई सोरेन ने कहा था कि आदिवासी बचेगा तब तो हम आदिवासी के नेता होंगे। वहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या का राज हो गया है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, और ये झारखंड के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए खतरे की घंटी।